मैं यहाँ पे उन फौजी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि पीछे वाला काफिला जो आ रहा था उसमें आपका बेटा भी था, मेरा भाई भी था, वो रिटायर्ड फौजी भी है, हमारे बॉस हैं, पीएम मिनिस्टर पीछे भी आए दूसरे काफले में, कुछ मेरे साथ थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ फौजी भाइयों का कि जब हमारे लोग गए, अपने लोगों को भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने कहा ये फौज हमारी है, कृपा आए हुए आपके पास, उन्होंने पाक फौज के नारे मारे और फौजियों ने उनको रास्ता दिया। मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन फिर आगे जाके फिर वही बेगैरत बुजदिल फस्तियत वाले ये आईजी, ये फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने फिर क्या किया उनके साथ कि बारिश के अंदर जब वो गाड़ियों में बैठे हुए थे उन पर तोड़ फोड़ करके हमले करके उनको इतना नुकसान पहुंचाया, गिरफ्तार भी किया, मारा भी और नुकसान ही पहुंचाया। तो अगर ये समझते हैं कि सिर्फ यही होंगे, फिरौन भी ये समझता था, वो समझता था ये बात कि मैं ही ताकतवर हूं, फिर क्या हुआ उसका हाल? बहुत बड़ी बड़ी ऐसी ताकत शख्सियात इस दुनिया में गुजरी हैं, उनका क्या हाल हुआ है? अवाम, इंसानियत, जब अवाम उठती है और इंसानियत किसी में नहीं होती, तो जब उनका कोई अंजाम होता है तो उसकी मिसाल कई सही सौ सालों तक रहती है। और आज ये वही लोग मैं जो याद कर रहा हूं उनकी मिसालें कायम है, ये वही मिसालें बनेंगी। मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं आप सब लोगों को, आपके जरिए बाकी सबको, कि मेरे सारे पाकिस्तानियों, जो भी मुनाफिक है इस नजरिए के साथ, अल्लाह उसको गर्क करे, अल्लाह उसको गर्क करे। आप इनके धोखे में मत आओ, इनकी बातों में मत आओ, ये घबरा गए हैं आपसे, इनकी टांगें कांप रही हैं, आपका जज्बा देखकर, आपका इतिहास देखकर, आपकी टीम देखकर, आपका जुनून देखकर। और जो भी हमें मुनाफिक है अपनी पार्टी के साथ, नजरिए के साथ, इमरान खान के साथ, मैं बरमला कह रहा हूं ये अल्लाह के कलमे लिखे हुए हैं, अल्लाह का कलाम, अल्लाह ताला उसके खानदान को गर्क करे, इससे बड़ी बात नहीं है। मैं किसी से भी नहीं कहता कि मुझसे वो माजरत करे किसी ने अगर गलत बात की है तो, क्योंकि वो मेरे भाई हैं। लेकिन उनके तहफ़ुज़ात जो मैंने बताए, जो मैंने बात की, इस जहान भी मेरा गरेबान, अगर इसमें एक बात भी छुटी हो, और उस जहान भी मेरा गरेबान आपके लिए हाजिर है, आप पकड़ सकते हैं। लेकिन आप इस चीज का हिस्सा ना बने, आपको बहकाने वाले चाहे वो अंदर वाले हैं चाहे वो बाहर वाले हैं, वो मुनाफिक हैं। मुनाफों से बचो, इत्तेहाद के साथ अपने मकसद पे, अपने लीडर की आजादी के लिए, आइन की पासदारी के लिए, जिस लेवल की इन्होंने रुकावटें डाली हुई थी निहत्ते लोगों के लिए, वो इम्पॉसिबल थी। लेकिन अल्लाह की ज़ात ने वो सब पॉसिबल किया, हमें कामयाबी हुई है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी कि हम उस जगह पे जाके पहुंचे, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, उसमें जिसका जितना नुकसान हुआ नुकसान भी अल्लाह पूरा करेगा, आगे अच्छाई का रास्ता और सब कुछ वो भी अल्लाह आगे भी दिखाएगा और कामयाबी भी देगा। कामयाबी तब देगा जब नीयत साफ होगी, कामयाबी तब देगा जब मकसद के लिए काम करेंगे, कामयाबी तब देगा जब जात के लिए नहीं, नजरिए के लिए हम मेहनत करेंगे, जाती फायदे के लिए नहीं, नजरियात के लिए अपनी ये जंग जो हमारी तरीक है उसको रखेंगे। और वो वक्त दूर नहीं है, इंशाल्लाह करीब है। अब वो कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का हो, एक और धक्का है, एक और धक्का, और वो धक्का भी इंशाल्लाह हम ही देंगे, हम ही देंगे वो धक्का, हम ही देंगे वो धक्का। और इनको समझ आ गई है कि जहां तक हम पहुंच गए हैं, इसके बाद अगला फिर शहबाज शरीफ का बेडरूम है। अगर इमरान खान हुक्म दे दे तो अगला स्टेप उनका बेडरूम है।